हबीबगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र में मामा के घर जा रही एक नाबालिग को एम्बुलेंस में बंधक बनाकर रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किशोरी अपने परिचितों के साथ एम्बुलेंस में जा रही थी। रास्ते में परिचित के उतरते ही किशोरी को बंधक बना लिया गया और फिर उसके साथ एक युवक के द्वारा रेप की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि युवती के साथ एक युवक ने ही रेप की घटना को अंजाम दिया है, पर पुलिस ने इस घटना में चार लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है, जो एम्बुलेंस में मौजूद थे। पुलिस ने आरोपी समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन सहित बाकी दो आरोपियों की तलाश की जा रही है। अपने ननिहाल में रहती है और उसकी एक मामा की लड़की उसको लेके अपने साथ गई। फिर लोग घूमने के लिए कार्यक्रम बनाए तो उसमें बहनोई एक और दो अन्य लोग, तीन लोग और वो मामा की लड़की, तीनों लोग घूमने निकले। रास्ते में वो मामा की लड़की रुक गई, ये लोग घूमते रहे। उसके बाद उस बच्ची का ये कहना है कि उसमें से एक आदमी ने उसके साथ गलत काम किया और गाड़ी के अंदर ही, क्योंकि ऐसी स्थिति में सब लोग साथ में थे तो सभी आरोपी बनाए गए हैं और दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और दो जो बचे हैं शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ये पूरा मामला हनुमाना थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 108 जननी एक्सप्रेस नाबालिग के गांव गई हुई थी। 24 नवंबर को नाबालिग रिश्तेदार महिला के साथ मामा के घर जाने के लिए पूर्व से परिचित एम्बुलेंस चालक के साथ सवार हुई थी। एम्बुलेंस में चालक समेत कुल 5 लोग सवार थे। किशोरी की रिश्तेदार महिला किसी काम से एम्बुलेंस से नीचे उतरी और फिर उसे तलाशने के लिए एक अन्य रिश्तेदार चला गया। रिश्तेदारों के जाते ही किशोरी को एम्बुलेंस में बंधक बनाकर आरोपी पहाड़ी गांव में ले गए। नाबालिग ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन उसे जान से मारने की धमकी देकर आरोपी ने उसका शोषण किया। इस दौरान एम्बुलेंस का चालक भी मौजूद था। घटना के बाद आरोपी ने उसे गांव छोड़ दिया, जिसके बाद नाबालिग अपने घर पहुंची और पूरी वारदात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 25 नवंबर को केस दर्ज कर राजेश केवट, वीरेंद्र चतुर्वेदी, रामायण केवट और मंजू केवट को आरोपी बनाया है। इन पर रेप अपहरण की गंभीर धाराओं समेत पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अब तक पुलिस ने दो आरोपी राजेश केवट और वीरेंद्र चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। एम्बुलेंस समेत अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।